हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर 3। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है, क्लास 6 से करते आ रहे हैं। पहले एक्सप्रेशंस थे, फिर लीनियर सिंपल इक्वेशन आया क्लास 7th में, 8th में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया, 9th में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे हमने ग्राफ बनाए हैं, इक्वेशंस फॉर्म किए हैं। यहाँ पे हम फिर इसी टॉपिक के साथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10th में तो बहुत सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट अस डू सम नंबर प्रॉब्लम एंड एज प्रॉब्लम्स ऑन दिस चैप्टर। ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथड्स टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, दैट इज एलिमिनेशन मैथड्स, सब्सटीट्यूशन मैथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आर डे टू डे लाइफ। इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स वी यूज टू फॉलो ऑल दिस स्टेप। दैट फर्स्ट स्टेप इज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी, नंबर वन। नंबर टू, give these equations a variable name like x, y, etc., whatever you want to give the variable name. Here I'll use x and y, and then formulate the equation in terms of the variable to be determined. पूरी equation को ऐसे formula ऐसे equation का बनाओ so that कि आपको unknown value determine हो जाए easily. Solve the equation obtained by any of the method which we have already learned earlier. सो लेट अस डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बनाने से पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सम ऑफ थ्राइज द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम लिखना है, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो आपका थ्राइज है फर्स्ट नंबर के, और जो उनका सम है वो इक्वल टू है 142, एंड द फोर टाइम्स द फर्स्ट नंबर एक्सीड्स द सेकेंड नंबर बाय 138। और फिर दूसरी एक इक्वेशन बनेगी जिसमें फर्स्ट नंबर का फिर फोर टाइम्स है, इट एक्सीड्स द, मतलब वो एक्सीड हो रहा है सेकेंड नंबर से, बड़ा है प्लस, ठीक है, सेकेंड नंबर से वो बड़ा है कितने टाइम्स, 138 टाइम्स। तो पहली इक्वेशन बनाने से पहले हम जो अननोन क्वांटिटीज हैं उसको लेट लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट सिचुएशन क्या बनी है कि जो थ्राइज द फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, सम है इसका सेकंड नंबर के साथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 142। तो थ्राइज फर्स्ट नंबर हमारा एक्स है, सेकंड नंबर हमारा वाई है, और दैट इज इक्वल्स टू 142, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी फोर टाइम्स द फर्स्ट नंबर, मतलब फोर टाइम्स द फर्स्ट नंबर विल एक्सीड्स टू द सेकेंड नंबर बाय 138। तो फर्स्ट नंबर मतलब 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 138, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। और इसको और रिजॉल्व कर लें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4x माइनस 138, आपने 138 को उधर ट्रांसपोज कर दिया और ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए y की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, कितनी इजीली आपने उधर ट्रांसपोज करके y इज इक्वल टू ये ले लिया। अब इसी वैल्यू की, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो ऑन पुटिंग the value of y in equation 1, तो आपकी equation 1 क्या है, 3x plus y is equals to 142। अब y तो आपका, y की value क्या put करेंगे आप, 4x minus 138, तो 3x plus 4x minus 138 is equals to 142। linear equation में हम of course वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, कॉन्स्टेंट्स को। तो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, और 142 प्लस 138 इज इक्वल टू
280. तो 7x की वैल्यू 280, तो x की वैल्यू 280 अपॉन 7 इज 140. ठीक है, अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में, आप फर्स्ट में करो या सेकंड में करो. अब सेकंड में करो तो सेकंड मींस दिस वन, इसमें करो पुट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y निकल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 138. तो 4 इंटू 40 माइनस 138, x की वैल्यू आपने रख दिया, पुट x इज इक्वल्स टू 40. तो 160 माइनस 138 इज इक्वल्स टू 22. दीज आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स. इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एज, एज प्रॉब्लम्स वी विल डू. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज सोनू. नूरी सोनू से 3 times बड़ी थी. 10 years later, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइज एज ओल्ड एज सोनू. अब नूरी सोनू से 2 times बड़ी है, तो नूरी और सोनू की एज क्या है? तो सबसे पहले हम एज को ले लेंगे एक्स और वाई के टर्म्स में. लेट अस टेक, लेट एज ऑफ द नूरी बी, प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी बी, लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज बी वाई, ईयर्स ऑफ कोर्स. ठीक है, दोनों की एक्स ईयर और वाई ईयर निकल गई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, कि जो 5 years ago की बात कर रहे हैं, 5 years ago, तो अगर प्रेजेंट एज एक्स है नूरी की, तो 5 साल पहले हो जाएगी एक्स माइनस 5. तो नूरीज एज 5 साल पहले क्या हो गई, पहले तो एक्स थी, 5 साल पहले हो गई एक्स माइनस 5 years. और सोनूज एज विल बी वाई माइनस 5 years. ठीक है, लेकिन अभी कंडीशंस, फिर हमने 10 years की ले, निकाल लो पहले 10 years की, फिर बाकी दोनों कंडीशंस पुट कर लेंगे. नाउ 10 years later, नूरीज एज विल बी, नूरीज एज विल बी एक्स प्लस 10, और सोनूज एज विल बी वाई प्लस 10. ये सब प्रेजेंट एज में जुड़ा है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं. तो गिवन क्या है आपका क्वेश्चन में, कि 5 years ago जो नूरीज एज है वो सोनू के थ्राइज है, तो 3 times ऑफ सोनूज एज. ठीक है, तो 5 years ago नूरी की एज क्या थी, एक्स माइनस 5. तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 times ऑफ वाई माइनस 5. देखो सोनू की एज 5 साल पहले की, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 into y 3y माइनस 3 into 5 15. ये हो गया आपका x, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1. ठीक, नाउ 10 years later, 10 साल बाद, नूरीज एज will be twice as old as Sonu's age. तो नूरी की एज 10 साल बाद क्या थी, x plus 10, twice of Sonu's age y plus 10. अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2y plus 20
अब ट्रांसपोज कर देते हैं पूरी इक्वेशन, x माइनस टू वाई प्लस टेन माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर टू। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई है, आप इसको एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको जिससे करना है कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन वी गेट टू फ्रॉम वन, तो x माइनस थ्री वाई प्लस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस x माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो। सब्ट्रैक्शन की वजह से नीचे के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। x x कैंसिल, माइनस थ्री वाई और प्लस टू वाई माइनस वाई आता है, प्लस टेन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी होता है, तो y की वैल्यू हो गई ट्वेंटी। ठीक, जैसे ही y की वैल्यू 20 आई, अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ गया अब y की वैल्यू, देखते हैं अब यहाँ पे y की वैल्यू कैसे पुट करते हैं आगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन टू या वन, जिसमें करना है आपको करिए, मैं टू में करके दिखा रही हूँ आपको। तो y की वैल्यू टू पे, तो x माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो अब आ जाएगा पुट y इज इक्वल्स टू ट्वेंटी, तो x माइनस टू इंटू ट्वेंटी माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस फोर्टी माइनस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो, x माइनस फिफ्टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू फिफ्टी। हेंस नूरीज प्रेजेंट एज, जो कि x ली थी हमने, वो हो गई है 50 years and सोनूज प्रेजेंट एज भी 20 years। So, इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर। ठीक, तो इन दिस वे डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, रीड केयरफुली एंड देन आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज एंड